तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने रहा हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में नाइट के टाइम फोटो क्लिक कर पाएंगे, वो भी बहुत अच्छे ही, या फिर बोल सकते हैं या फिर सीधा कह सकते हैं कि आप कैसे अपने सैमसंग मोबाइल में जो सैमसंग कैमरा होता है उसके अंदर नाइट मोड में फोटो को क्लिक कर पाएंगे। तो आगे दोस्तों वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कैसे आप इसको यूज करेंगे नाइट मोड को, वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल को कैमरे को ऑन कर लेना है। जब भी अगर आप नाइट मोड में मोबाइल को कैमरे को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपको यह खुद ही सजेशन दे देगा कि भैया यहाँ पर नाइट मोड आप यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ रहा है। तो अभी एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, लाइक में आप देखेंगे कि मैंने एक यहाँ से नॉर्मल फोटो यहाँ पर खींच ली है और आप थोड़ी देर यहाँ पर कैमरे को ऑन करेंगे तो नाइट मोड का ऑप्शन वहाँ पर हट जाएगा। तो आपको वापस लाने के लिए यहाँ पर मोर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा नाइट का ऑप्शन। आप उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप उसको फोटो को क्लिक करेंगे। तो फोटो क्लिक करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल वहाँ पर शेक नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल हाथ वहाँ पर आपका रुका होना चाहिए। विद इन 2 सेकंड या 1 सेकंड में फोटो क्लिक हो जाती है, 2 या 3 सेकंड लगते हैं सॉरी, और वहाँ पर क्लिक हो जाती है। और मैं आपको फोटो का रिजल्ट दिखाता हूँ। ये मैंने नाइट मोड पर फोटो खींची है और ये नॉर्मल अभी आपको सेम ही लग रही होगी। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस करके बताता हूँ। तो लाइक आप देखेंगे मैं यहाँ पर आ गया हूँ ऐसे की तरफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहली फोटो ले लेता हूँ नाइट में। आप देखेंगे यहाँ मैं पहली फोटो क्लिक कर रहा हूँ नाइट मोड पे। अब मैंने इसको क्लिक कर लिया और ऊपर लिखा भी हुआ रहा है और नाइट मोड में ये फोटो को यहाँ पर मैंने क्लिक नीचे सेव हो गई और क्लिक हो गया है। और अब मैं इसको कर लेता हूँ नॉर्मल मोड पे, ठीक है। और यही फोटो मैंने यहाँ पर नॉर्मल मोड पे क्लिक कर ली। अब दोनों का आपको मैं अंतर बताता हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे, मैंने देखा मैंने इसको क्लिक कर लिया तो आप देखेंगे ये फोटो मैंने नॉर्मल मोड पे क्लिक करी है और आप इसको स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे ये फोटो मैंने वहां पर आप ही के सामने नाइट मोड पे क्लिक करी है। मतलब नाइट मोड पे वहां पर फोटो को वहां पर साफ कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर नाइट मोड का फायदा होता है, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ डेमो बता रहा हूँ या फिर बोलूंगा, मैंने एक बार आउटडोर थोड़ा सा मैंने आउटडोर वहां पर एक फोटो को क्लिक करा था, एक छोटी सी वीडियो बनाई है रिकॉर्डिंग करके, वो वीडियो मैं आगे आपको लगा दूंगा। तो आप देखेंगे वहां पर आउटडोर में नाइट में भी फोटो उसका आपको इफेक्ट करता है। मैं आपको वहां पर फोटो बता देता हूँ और बाद में आपको क्लिक करने वाली वीडियो वहां पर लगा दूंगा। तो आप देखेंगे ये फोटो मैंने फ्रंट से ली थी, तो आपको ये देखिए ये फोटो मैंने ये जो नाइट मोड पे मैंने वहां पर जैसे मैंने नाइट मोड को ऑन करा था और 0.5 पे मैंने ये वाली फोटो को खींचा है। 0.5 में मैंने खींचा, ये नाइट मोड में खींची गई है और ये नॉर्मल मोड में खींची गई है। सेम लोकेशन पे सेम टाइम पे मैंने ये फोटो को क्लिक करा। ऐसे ही अगर आप आगे जाएंगे तो ये मैंने नाइट मोड में फोटो खींची है और ये वाली मैंने नॉर्मल में खींची है। आप देखेंगे दोनों में कितना फर्क है। मतलब नाइट मोड बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप उसको सही तरह से उसको यूज करेंगे। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ये नॉर्मल फोटो है और ये नाइट मोड पर फोटो खींची। आप दोनों में अंतर देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये अंतर हो रहा है। ये भी नाइट मोड पर मैंने फोटो क्लिक करी है और ये यहाँ पर आपको नॉर्मल फोन पे आपको दिख रही होगी। दोनों में भी आपको चेंजेस यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो ये ऐसे वर्क करता है, मुझे तो बहुत शानदार ये वाला फीचर लगा। आगे आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ आप उसको अच्छे से देख लेना, जो कि मैंने बाहर उसको आउटडोर पर उसको शूट करा है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया है, अब आपको यहाँ पर कैमरे में जाना है। अब मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पर मोबाइल को। आप देखेंगे मैं बाहर की तरफ खड़ा हूँ और ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने पहले नॉर्मल फ़ोटो को क्लिक करा, उसके बाद वहाँ पर आप देखेंगे मैं वापस मोर पे जाके नाइट मोड में जाके आपके सामने यहाँ पर नाइट मोड पे फ़ोटो को क्लिक कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसका डेमो बता दिया है, बट आपके सामने ये क्लिक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये मैंने फ़ोटो नाइट मोड में ही क्लिक करी है। तो आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। और ऐसे ही अब मैं दूसरी तरफ ऐसे एंगल में क्लिक करके या फिर पहले आपको दूसरी फ़ोटो दिखा दूँ, उसके बाद आपके सामने दूसरी फ़ोटो क्लिक करूँगा इसकी। तो थोड़ा सा रोटेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि बाहर के टाइम मैंने वहाँ पर एक तो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी और अब मैंने दूसरे एंगल में यहाँ पर आप देखेंगे पहले यहाँ पर नाइट मोड पर फ़ोटो को क्लिक कर लिया है। नाइट मोड पर फ़ोटो को क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद वापस मैं उसको नॉर्मल मोड में लेके आऊँगा और वहाँ पर एक फ़ोटो को और क्लिक करूँगा। तो अरे थोड़ा सा आप देखेंगे अब मैं इसको वापस यहाँ से बैक कर देता हूँ और वापस इसको नॉर्मल मोड में लेके आ गया और फ़ोटो को यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। तो वापस आप देखेंगे ये दोनों फ़ोटो में आपको अंतर वहाँ पर दिख जाएगा। ये पहले नॉर्मल फोटो की फ़ोटो है और ये बाद में आपको दिख रही होगी नाइट मोड की फ़ोटो।
दोनों में आपको वहां पर डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अब ऐसे ही मैं एक दूसरी तरफ से दूसरे एंगल में यहाँ पर फोटो को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर नॉर्मल मोड पर वाली फोटो को मैंने क्लिक कर लिया है और थोड़ी देर अब उसको बाद में मैंने नाइट मोड पर क्लिक करने के बाद मैंने वहाँ पर उसको नाइट मोड में वो फोटो को क्लिक कर लिया है। तो ये फोटो भी मैंने आपको डेमो में दिखा चुका हूँ बट आप अभी देखेंगे थोड़ी टाइम बाद आपको इस पर दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा, दोनों में आपको कलर का यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। देखेंगे ये नाइट मोड की फोटो है जो कि ब्राइट है और बाद में आप देखेंगे स्वाइप कर रहा हूँ वहाँ पर आप देखेंगे वो नॉर्मल मोड की फ़ोटो आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो दोनों में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पर अंतर है। तो ऐसे इसको नाइट मोड को वहाँ पर यूज़ करा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होने ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।